जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एम पी एस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि एम पी एस इन्फोटेक्निक्स को एक और नाम से जाना जाता है, जैसे एक विशेष इन्फोटेक्निक्स करके कंपनी है। तो जो विशेष इन्फोटेक्निक्स कंपनी है वो एम पी एस इन्फोटेक्निक्स का ही दूसरा नाम है, या ऐसे कह सकते हैं जो विशेष इन्फोटेक्निक्स कंपनी है उसको एम पी एस इन्फोटेक्निक्स के नाम से जाना जाता है। यानी ये कंपनी एक ही है, नाम अलग अलग है, तो नाम को लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम पी एस इन्फोटेक्निक्स में जिन व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट है उनमें से ज़्यादातर लोगों के स्टॉक में पोर्टफोलियो में स्टॉक माइनस में चल रहा है, यानी कि इस स्टॉक की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान की भरपाई कब तक होगी, इसमें आपको बने रहना है कि इस स्टॉक से बाहर निकल जाने का समय आ गया है। नए लोगों के लिए इस स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी है, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको आसान भाषा में देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, एम बी एस इन्फोटेक्निक्स का जो शेयर प्राइस है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 45 पैसा के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं देखेगा क्योंकि प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ था तकरीबन वहीं पर इसने अपना क्लोजिंग दे दिया, इसी वजह से यहाँ पर कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 10% के आसपास टूटा है। एक सप्ताह में सिर्फ 10% के आसपास किसी स्टॉक टूट जाना सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक में संभव, बड़े और अच्छे स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ पेनी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आप जरूर रखिए, लेकिन एक दो अच्छे स्टॉक भी रखिए ताकि ये आपके पोर्टफोलियो का वजन बढ़ा के रखने में मदद करेंगे। एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में स्टॉक में कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मूवमेंट ही नहीं हुआ है। पिछले एक मंथ में जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ वहीं पर इसने अपना क्लोजिंग दे दिया, इसलिए इस वहाँ पर आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सिक्स मंथ की बात करें तो सिक्स मंथ में स्टॉक तकरीबन 30% का स्पष्ट उठा। यहाँ पर विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड यानी कि एम पी एस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड को ओपन किया हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट पर, और यहाँ पर मैं यदि इस कंपनी के चार्ट को दिखाऊँ तो एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है तो ज़्यादातर या तो अपर लोअर सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर ये बहुत ही क्रूशियल जोन में है, ये जो 50 पैसा से लेकर 45 पैसा का इस कंपनी का लेवल है, जिस मतलब रेंज बाउंड में स्टॉक फंसा हुआ है। यदि इससे बाहर निकलेगा तो अब एक उम्मीद बनेगी क्योंकि ये जो रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी समय से इस रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए अब जो जिन लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है उनकी निगाहें इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने पर है और आपको इसमें पेशेंस रखे। अभी अभी इस स्टॉक से बाहर नहीं निकलना है यदि आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप नज़र बना के रखें। जैसे इस कंसोलिडेशन का ब्रेक होता है या तो ऊपर की तरफ हो जाए तब तो आपको कुछ चिंता की बात ही नहीं होगी, लेकिन नीचे की तरफ होता है तो आप बिना सोचे इस स्टॉक से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं हो जाएगा तो ये स्टॉक आपको आपका पूरा पैसा इसमें डुबा देगा। तो मेरी इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे इस कंसोलिडेशन फिर से बाहर निकलेगा यानी कि 0.50 50 पैसा से ऊपर निकले तब बने रहेगा, लेकिन 0.45 45 पैसा से नीचे आ जाए 40 पैसा के आसपास आ जाए तो बिना सोचे इससे बाहर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कंपनी के काम धाम और फंडामेंटल को समझते हैं। तो विशेष इन्फोटेक्निक्स का आपको पता है कि ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती है। जैसे आप देखेंगे तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आपको हम बताएं तो ये सिस्टम इंटीग्रेशन से लेकर नेटवर्क सोल्यूशन तक का बिजनेस करती है। इन सब कामों में मतलब जो दूसरी कंपनियाँ होती हैं, लोग होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी हेल्प करती है आईटी सर्विसेज में। और इसके यदि थोड़ा बहुत फंडामेंटल को देख लें तो तकरीबन 150 से ऊपर की ये कंपनी है, 150 करोड़ के ऊपर की, और 100 करोड़ के ऊपर की जो कंपनियां होती है पेनी स्टॉक में अच्छी मानी जाती है, लेकिन सिर्फ मार्केट कैप के बदौलत फंडामेंटल मजबूत नहीं होता है, दूसरे पहलुओं को भी देखना होता है। बुक वैल्यू तो काफ़ी शानदार है, 1.16 रुपये के आसपास है, लेकिन शेयर प्राइस काफ़ी कम है और सामान्यतः जो शेयर प्राइस होता है बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड देखेंगे तो ये भी माइनस में है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ कमा के नहीं देगी, क्योंकि आरओई यदि पॉजिटिव में होता है तब माना जाता है कि जितना परसेंट पॉजिटिव में उतना परसेंट आपके इन्वेस्टमेंट पर एक साल में रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। छोटी कंपनी है तो डिविडेंड का हम इसमें अपेक्षा भी नहीं कर सकते, और यहाँ पर स्टॉक का पी गायब है। जब पी गायब है तो आपको जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है यानी कि जो बोरो है वो बोरो कम होने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी इस कंपनी के ऊपर तकरीबन 23 करोड़ के आसपास कर्ज है, और कर्ज देखेंगे धीरे धीरे कम ही होते हुए दिखेगा। और वहीं पर यदि रिजर्व की बात करें, रिजर्व पैसा कितना है, तो रिजर्व पैसा धीरे धीरे समय के साथ कम होता जा रहा है, जबकि फ्री कैश फ्लो जो होता है, जो कैश पैसा होता है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको दिखा दें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे कि अभी भी इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादा है, प्रमोटर्स इस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखेंगे पिछले कुछ समय में तो पाएंगे कि प्रमोटर्स धीरे धीरे से स्टॉक से गायब ही हुए। बाकी तो इसमें छोटी कंपनी है तो एफआईआई की इसमें होने की बात ही नहीं है। अब देखिए, आप खुद समझदार हैं, मैंने आपको बता दिया चार्ट टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से और फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से कि स्टॉक का फंडामेंटल अभी उतना मजबूत नहीं है। फंडामेंटल फ्यूचर में जब बेहतर होगा और जब शेयर प्राइस में तेजी आते हुए दिखेगी, लगेगा कि तेजी कुछ सस्टेन करेगा या और ऊपर जा सकता है टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, तब फिर इसमें हम दोबारा एंट्री बना सकते हैं। अभी विशेष इन्फोटेक्निक्स में बने रहने की कोई आवश्यकता, मैंने अभी तो बने रही जब तक मैंने जो कंसोलिडेशन है बताया और जब तक इसके बीच में प्राइस है, तो
और उसके बाद जिधर की तरफ निकलता है उस हिसाब से आप अपना इसमें कामकाज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।